अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू funboy.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर दो स्मार्टफोन का मैं कैमरा कंपैरिजन करूंगा। एक तरफ मेरे पास है रियलमी 5i और दूसरी तरफ मेरे पास है पोको M3। यहाँ पे दोनों मोबाइल फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको अंडर 25,000 मिल जाएंगे। और यहाँ पे वैसे एक चीज है कि दोनों मोबाइल फोन जो है वो कैमरा के मामले में काफी ज्यादा एक डिसेंट डिवाइसेस हैं। यहाँ पे कैमरा की क्वालिटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आती है दोनों के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर इसी चीज को डीपली कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि किस मोबाइल फोन का कैमरा ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और आप लोगों को 25,000 की रेंज के अंदर कौन सा मोबाइल फोन कैमरे के मामले में कंसिडर करना चाहिए। तो वीडियो इंटरेस्टिंग बनाइए, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट जो है 300 लाइक्स का रखा है और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको टाइम पे मिल सके। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आपको पोको M3 से रिलेटेड बहुत सारे कैमरा कंपैरिजन और यहाँ पे बैटरी चार्जिंग कंपैरिजन वगैरह भी मिलने वाले हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देगा। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए पोको M3 की, तो यहाँ पे मोबाइल के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप का इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं हॉनेस्टली बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिटी जो है वो रियलमी 5i से काफी ज्यादा टक्कर की आती है। आप लोगों के साथ कुछ इमेज के सैंपल्स में आगे चल के शेयर करूंगा। यहाँ पे कैमरा ऑप्शन बताने से पहले आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे ऑप्शन बता देता हूँ जो कि मोबाइल के अंदर मिसिंग है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे जो आपको नहीं मिलेगा वो है अल्ट्रा वाइड शॉट का। यहाँ पे आपको सिर्फ मैक्रो, पोर्ट्रेट और डिफॉल्ट शॉट का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस नहीं लगाया गया ट्रिपल कैमरा सेटअप है, तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड की कहीं से भी क्वालिटी नहीं मिलने वाली। सेकेंडली, यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि कैमरे के अंदर स्टेबलाइजेशन मौजूद नहीं है। आगे चल के आपको मैं वीडियो का सैंपल दिखाऊंगा पोको M3 की, तो उससे आपको और आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइज नहीं होती। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पे आपको स्लोमो का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है, 48 मेगापिक्सल का मोड मिल रहा है, नाइट मोड मिल रहा है और इसके अलावा आपको सारे बेसिक ऑप्शंस मिल रहे हैं, पैनोरमा, डॉक्यूमेंट, टाइम लैप्स और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल रहा है। एडिट के अंदर आप बेसिकली अपनी स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं, ये बेसिक्स ऑप्शन है। इसके अलावा पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको दिया गया है और स्लोमो का सैंपल भी आपके सामने मैं आगे चल के शेयर करूंगा, तो उसके लिए जरूर वेट करिएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इसके अलावा फोटो के अंदर आपको डिफॉल्ट मिल रहा है और यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी प्रोवाइड किए गए हैं जिसके अंदर मैक्रो शॉट है और यहाँ पे सारे बेसिक ऑप्शन है जो कि तकरीबन सभी मोबाइल के अंदर आपको मिलते हैं। जैसे आपको टाइमिंग का ऑप्शन मिल रहा है, इसके अलावा रेशियो का ऑप्शन मिल रहा है और ये स्ट्रेटन का ऑप्शन है जो कि बेसिकली बैलेंसिंग करने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वीडियो की जहां तक बात है तो मोबाइल जो है वो दो टाइप सपोर्ट करता है, 720p और 1080p। यहां पे 4K का आपको ऑप्शन नहीं मिलता और मैक्रो मोड के साथ आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा प्रो मोड मौजूद है और प्रो मोड के अंदर आप सारे ऑप्शंस को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी आ सके। दोस्तों, ये पोको M3 के फीचर्स हैं। अब चल के आप लोगों के साथ में रियलमी 5i के फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जहां तक बात रही रियलमी 5i की, तो यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। अब यहां पे अक्सर लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि अगर 48 मेगापिक्सल पोको M3 के अंदर मिल रहा है तो जाहिर सी बात है पोको M3 अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मेगापिक्सल सिर्फ मैटर नहीं करते, सेंसर कौन सा इस्तेमाल किया गया है, लेंस कौन सा है, अपर्चर वगैरह, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं जब आप एक अच्छी इमेज क्वालिटी कैप्चर करना चाह रहे हो। तो यहां पे रियलमी 5i 16 मेगापिक्सल के साथ भी पोको M3 से इतना ज्यादा टफ टाइम लेगा। आगे चल के आप जो सैंपल्स देखेंगे रियलमी 5i के, तो इस चीज का आइडिया आपको आराम से हो जाएगा। खैर दोस्तों, यहाँ पे कैमरा ऑप्शंस की जहां तक बात रही रियलमी 5i की, तो यहाँ पे आपको सारे कैमरा ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड भी मौजूद है, मैक्रो भी मौजूद है, डेप्थ सेंसर भी मौजूद है। तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मौजूद है। और अगर आप फर्दर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अल्ट्रा मैक्रो का ऑप्शन मिल रहा है जो कि मैक्रो शॉट के लिए इस्तेमाल होगा, स्लो मोशन का ऑप्शन मौजूद है और प्रो मोड मौजूद है। इसके अलावा पैनोरमा मोड और ये टाइम लैप्स वगैरह नॉर्मल फीचर्स हैं, आपको सभी के अंदर मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमने पोको M3 के अंदर भी देखे और इसके अंदर भी मौजूद है। जो एडिशनल फीचर है वो है यहाँ पे फोटो के अंदर अल्ट्रा वाइड का। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ टॉप के ऊपर ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं क्रोमा बूस्ट है जो कि कलर्स वगैरह को इन्हेंस करता है। और आज की वीडियो के अंदर जितने भी मैंने सैंपल्स लिए हैं वो इस मोड को ऑन करके ही लिए हैं ताकि सही से कलर्स वगैरह आ सके मैक्सिमम क्वालिटी के अंदर रियलमी 5i में। इसके अलावा यहाँ पे फिल्टर्स मौजूद हैं और यहाँ पे आपको जूमिंग वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है, 10x जूम तक का ऑप्शन है। पोको M3 की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे आपको 8x जूम का ऑप्शन मिलता है। नाइट मोड यहाँ पे भी मौजूद है। वीडियो की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं वीडियो के अंदर, जिसके अंदर 4K, 1080p और 720p।
तो ये एक अच्छा ऑप्शन है पोको M3 के मुकाबले में, आपको मैक्सिमम क्वालिटी मिल रही है। इसके अलावा आगे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मौजूद है, और अभी आगे जाएंगे तो आप सैंपल भी देखेंगे वीडियो का, तो उसके अंदर भी आपको सही सा आइडिया हो जाएगा। तो ओवरऑल ऑप्शंस के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक Realme 5i के अंदर आपको थोड़े से ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं और ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मिल रहे हैं। अब यहाँ पर असल बात यह है कि कैमरा की क्वालिटी किस तरह की आती है, उसके लिए मैं आपके साथ कुछ कैमरा के सैंपल शेयर करता हूँ और वीडियो के सैंपल शेयर करता हूँ। स्लो मोशन का भी सैंपल मौजूद है, तो सारे सैंपल्स देखेगा और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं कि कौन सा मोबाइल कंपैरिजन विनर है। तो दोस्तों आपने दोनों मोबाइल के कैमरा कंपैरिजन देखे, कैमरा ऑप्शन के कंपैरिजन देखे, इसके अलावा आपने कैमरा सैंपल्स के कंपैरिजन देखे और वीडियो और स्लो मोशन के कैमरा सैंपल्स देखे। तो अगर मैं अपने फाइनल कमेंट की बात करूं कि रियल लाइफ में कैसी परफॉर्मेंस है, तो आई थिंक यहाँ पे दोनों मोबाइल जो है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे को कम्पीट करते हैं पिक्चर के मामले में, और ये चीज़ आपने कैमरा सैंपल्स के अंदर खुद भी नोट करी होगी। लेकिन एक चीज़ है कि Realme 5i के अंदर क्रोमा बूस्ट मोड दिया गया है, जिसकी वजह से जो Realme 5i के अंदर पिक्चर की क्वालिटी है वो थोड़ी सैचुरेटेड आती है और कहीं कहीं पे अच्छी लगती है, लेकिन पोको M3 के अंदर काफी हद तक रियलिस्टिक पिक्चर आती है। तो आई थिंक दोनों मोबाइल की जो कैमरा की क्वालिटी है वो काफी हद तक आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे बराबर थी और कहीं कहीं पे पोको M3 विन कर रहा था और कहीं पे Realme 5i की क्वालिटी ज्यादा बेहतर थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों मोबाइल फोन जो है वो पिक्चर क्वालिटी के मामले में एक अच्छे स्मार्टफोन है। लेकिन अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पे तो क्लियरली Realme 5i विनर डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा Realme 5i के अंदर बिल्कुल भी शेकी फोटेज नहीं आ रही, जबकि Poco M3 के अंदर काफी ज्यादा शेकी फोटेज आ रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल तो मुझे Realme 5i की वीडियो क्वालिटी इंटरेस्टिंग लगी। एक तो यहाँ पे 4K भी मिल जाता है, प्लस स्टेबलाइजेशन भी मौजूद है, तो ये काफी तक इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि Realme 5i के ऊपर जब आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पे आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, सिर्फ 720p और 1080p तक मिलती है। फर्दर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्लो मोशन वगैरह की, तो स्लो मोशन दोनों मोबाइल के पास एवरेज है, बहुत ज्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है कि दोनों में से कौन सा मोबाइल आप लोगों का फेवरेट है कैमरे के मामले में। और जहां तक बात रही कंपैरिजन विनर की, तो आई थिंक इमेजेस के मामले में दोनों मोबाइल ने सेम परफॉर्म किया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पे अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो आई थिंक यहाँ पे Realme 5i अभी भी कैमरा के मामले में एक अच्छी डिवाइस है और आपको काफी हद तक अच्छी वैल्यू दे देगी। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि Realme 5i के अंदर दूसरे फीचर्स जैसे कि बैटरी, डिस्प्ले और चार्जिंग वगैरह जो है वो Poco M3 के मुकाबले
मुकाबले में थोड़े से लो हैं, क्योंकि पोको एम थ्री जो है वो 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है, 18W की फास्ट चार्जिंग है और डिस्प्ले पोको एम थ्री के अंदर 1080p का है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक अगर आप वीडियो के मामले में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो आई गेस पोको एम थ्री भी आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट दूसरे फीचर आपको अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आपको टोटली एक कैमरा डिवाइस चाहिए जिसके अंदर आप बाकी के फीचर्स पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे लेकिन कैमरा अच्छा होना चाहिए, तो रियलमी 5i से बेहतर 25000 के अंदर आप लोगों के लिए कोई भी मोबाइल मौजूद नहीं है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है कि कौन से डिवाइस का कैमरा आपको ज्यादा अच्छा लगा और आप लोगों की इन दोनों में से कौन सी डिवाइस सबसे ज्यादा फेवरेट है। आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक टारगेट जरूर पूरा कर देगा और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।